डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ ए। आज हम कार्ड के द्वारा शब्द, एकमात्र के जो शब्द बनते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको कार्ड दिया है पवत्ता एकमात्र, तो उसका उच्चारण क्या होगा? पे। क्या होगा? पे। पवत्ता मात्र बराबर पे, बराबर बराबर पे। और इसको हम इसके बीच में मीन्स ये दोनों को व्यंजन और ये एक मात्रा का स्वर है उसको जोड़ के हम बोलते हैं पे, बराबर। तो हम यहाँ पे कार्ड में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। प है प्लस मात्रा एक मात्रा प्लस न ले लेते हैं, बराबर। बराबर। तो हम कैसे रीड करेंगे? प वत्ता एक मात्र बराबर पे वत्ता न बराबर पे न, पे न उसका उच्चारण होगा पे न। ओके, ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण क्या था? शेरड़ी। तो उसका उदाहरण हम लेते हैं, उसमें शेरड़ी का उदाहरण है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो जो मिंडा वाला श है उसको हम पक्की जगह रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पक्की जगह क्या करेंगे, मिंडा वाला श है उसको रखेंगे। फिर श वत्ता एक मात्र क्या बोलेंगे हम? शे, बराबर। श वत्ता एक मात्र बराबर शे, बराबर। अब न की जगह हम क्या रखेंगे? र, बराबर, र रखेंगे। इसके बाद प्लस से र, शे र, बराबर। उच्चारण होगा श वत्ता एक मात्र शे वत्ता र शे र। अब हम र है प्लस अब ड रखेंगे, बराबर। अब क्या रखेंगे? ड रखेंगे। अब शेर ड, अब उसका उच्चारण के लिए हमें फिर से प्लस की निशानी रखनी है। और यहाँ पे हमें दीर्घ ही रखनी है, बराबर। क्या रखेंगे हम? दीर्घ ई, क्योंकि दीर्घ ई हमें रखनी है। तो उसका उच्चारण शे र डी ऐसा होता है, बराबर। तो दीर्घ ई में हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो श व एक मात्र शे वत्ता र वत्ता ड, तो शेरड हुआ। वत्ता हमने दीर्घ ही ऐड की, बराबर। दीर्घ ही को हमने इसके साथ ड के साथ जोड़ा, तो ड वत्ता दीर्घ ही बराबर डी। ओके, तो उसका उच्चारण क्या होगा? शेर डी। समझ में आया? अगेन आई रिपीट, श वत्ता एक मात्र शे वत्ता र वत्ता ड वत्ता दीर्घ ही बराबर ड वत्ता दीर्घ ही बराबर डी, तो शेर डी। ऐसे ही हम दूसरा एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। श की जगह हम रखेंगे व, बराबर। तो उच्चारण क्या हुआ? देखो, उसका उच्चारण हुआ व वत्ता एक मात्र वे, व वत्ता एक मात्र वे, बराबर। अब हम र की जगह ल रखते हैं, बराबर।
उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो वो वत्ता एकमात्र वे वत्ता लो वे लो बराबर। देखो अगेन वो वत्ता एकमात्र वे वत्ता लो वे लो इज इक्वल टू वे लो। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको भी जो ये मात्रा है उसको समझनी है और उसका उच्चारण कैसे होता है वो हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में। यहाँ पे एक मात्रा है, वैसे हम दूसरे चैप्टर में दो मात्राएं देखेंगे। तो इसका उच्चारण क्या होगा? अगेन रिपीट, व वत्ता एक मात्र वे, अवत्ता एक मात्र ए। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको भी ऐसे रीड करने की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके okay?